तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का दिल से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं गई थी आलू लेने, क्योंकि हमारे गांव पे डीसीएम में आलू आया था दोस्तों। तो आते हैं बेचने हमारे गाँव में आलू, तो इसीलिए हम दोस्तों आज 100 रुपये का आलू ले लिए और 50 रुपये का प्याज ले लिए दोस्तों। हमारे घर पे प्याज आलू नहीं था, ख़त्म हो गया था दोस्तों। तो चलो हम आप लोग को दिखाते हैं प्याज और आलू, ठीक है दोस्तों। अरे प्याज है 50 रुपए का ली हूँ, लगता है कुछ कुछ सड़ा हुआ है इसमें, देखना पड़ेगा। और दोस्तों ये आलू है, देख लीजिए आलू कितना है। तो दोस्तों इस आलू को छांटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सलेला भी आया है थोड़ा बहुत। तो देख लीजिए सड़ गया, थोड़ा इसको निकाल के अलग रख देंगे। देख लीजिए बहुत सड़ा हुआ है दोस्तों, बहुत सड़ा हुआ है, इसको छांटना पड़ेगा। तो छांट देंगे अच्छा वाला, डाल देंगे और जो सड़ा वाला रहेगा उसको। तो दोस्तों मैंने आलू छांट लिया, देख लीजिए सब साफ आलू हो गया है, अच्छे से इसको साफ किए हैं और प्याज को भी साफ किए दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत कचरा था, इसको ले जाके अब रख देते हैं, इसमें से बनाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो जठान जी किधर हो तुम? घर पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे सोई है, देख लीजिए दवा लगा रही आंख में, क्या हुआ जी? लाओ लगा दो तुम्हारे आंख में, इनका तबीयत खराब हो गया दोस्तों, क्या बताऊं, इसीलिए मैं देखने आई थी इनको। क्या हुआ जी? इनका पेट झर रहा है दोस्तों बहुत जोर से, कल मछली खा ली थी बाजार से ला दी। मैं कब वो ऐसा नहीं होता, पता नहीं का है। तो दोस्तों इनका मजाक में नहीं कर रही दोस्तों, इनका बहुत तबीयत खराब लगता है, बुखार भी है और आग में दवा डाली है, देख लीजिए लाओ दवा तो दिखा आपको। ये देख लीजिए दोस्तों दवा लेकर आई हैं कल आँख का, इनके आँख में दवा डाली है, तो इनका तबीयत खराब है दोस्तों, तो हम देखने आए थे इनको, ठीक है। तो दोस्तों हम यहीं पे वीडियो एंड करते हैं दोस्तों, हम इनसे मिल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर पे, इनका तबीयत ज़्यादा खराब है तो अभी दवा लेकर नहीं आए हैं, अब दवा ले कोई है नहीं इनके घर पे, तो दवा लेने कौन जाएगा, हो सकेगा तो अभी देखेंगे किसी को, कहेंगे दवा लाने के लिए तो दवा लेकर आएंगे दोस्तों। इनके इनका पेट में बहुत दर्द है और सर भी बहुत जोर से दुख रहा है दोस्तों, और चक्कर भी आ रहा है और इनका पेट भी मतलब झड़ रहा है बहुत जोर से, तो बहुत दिक्कत है। इनके घर पे कोई है नहीं, तो हम देखने के लिए आए थे यहाँ पे। तो दोस्तों हम देख चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने घर पे, फिर आते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या होता है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहिए, हम लोग जा रहे हैं, जाए थे ना। तो दोस्तों हम चलते हैं घर की तरफ और यहाँ पे बैठी हैं। उनका तबीयत खराब है बहुत तेज दोस्तों, उनका तबीयत खराब है, आप लोग को मालूम है ना, आप लोग से बताई ना मैं। तो दोस्तों हम चलते हैं घर के तरफ, बाय बाय। तो दोस्तों हम चलते हैं घर के तरफ, हमारा बाबू वहाँ पे खेल रहा है, देख लीजिए। चलो चलो बाबू। दोस्तों उनको हम देखने के आए थे, उनका तबीयत बहुत ख़राब था दोस्तों, तो क्या बताओ, चलते हैं हम घर पे, थोड़ा बर्तन वर्तन माँजने का है और अभी काम पड़ा है घर पे बहुत, तो सोची कि उनको देख के आए, उनका तबीयत बहुत ख़राब था दोस्तों, तो हम जा रहे हैं घर पे अब। तो दोस्तों मैं घर पे आ गई, चलिए कहाँ है ताला खोलो, ना? तो दोस्तों घर में अंधेरा है, चलती हूँ बर्तन वर्तन मांजने के लिए। अब
दोस्तों देख लीजिए हमारा लड़का बड़ा वाला जा रहा है कपड़ा धोने, बहुत नाराज हो गया, गुस्सा हो गया दोस्तों, बोल रहा है कि मेरा कपड़ा धो दो मम्मी। तो मैं बोली रुक जा बेटा अभी धो देंगे। तो दोनों लड़ रहे हैं कपड़े के लिए, क्या बताएं हम, देख लीजिए वहाँ पे लड़ रहे हैं दोनों। और उसका पीछे दिखा बाबू, पीछे दिखा जरा दोस्तों, पीछे का पैंट उसका बाबू का मेरा फट गया है। तो हमारे घर में सुई नहीं है ना, इसकी वजह से मैं सिल नहीं पा रही हूँ। और देख लीजिए दोस्तों हमारा लड़का कपड़ा धोने जा रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए हमारा बाबू कपड़ा धोने जा रहा है, देख लीजिए गुस्सा को जैसे गुस्सा, ये सब गुस्सा है, देख लीजिए देख लो। अब्बा हम धो दे बाबू, बाबू दोस्तों देख लीजिए एक कपड़ा धोने जा रहा है गुस्से को जैसे। तो बाबू कपड़ा धो ले, साबुन नहीं है दोस्तों, साबुन भी नहीं है तो क्या बताएं, वो सरफ में ही धोएगा, लेकिन धोएगा जरूर। तो नाराज होके वहाँ पे गए हैं, देख लीजिए कितना कपड़ा है। ए बाबू चुप मत जा, दोस्तों बंदर आए हैं लगते दोस्तों, वहाँ पे बंदर आए, देख लीजिए वहाँ पे बैठे हैं। अरे भागी, ओ भागी, कट ले नीचे भागी, नीचे नीचे भागी। तो दोस्तों देख लीजिए वहाँ पे बंदर, तो दोस्तों वहाँ पे बंदर आया है, देख लीजिए कितना ऊपर बैठा है, जाके आपको दिख रहा होगा वहाँ पे बैठा है, देख लीजिए अभी कूदेगा। तो दोस्तों वहाँ पे बंदर बैठा हुआ है, बच्चे लोग भगा रहे हैं उसे पत्थर मार मार के। तो दोस्तों हम रखते हैं वीडियो, बहुत बड़ा हो जा रहा है। और जय हिंद।